नमस्कार, क्वेश्चन ऑफ द डे की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन करने से पहले एक छोटे से बात समझ लीजिएगा कि जो स्पीड डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम, और अगर मैं इससे टाइम स्पीड फाइंड आउट करना चाहूँ तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन करते हैं। अ सर्टेन डिस्टेंस डी कवर्ड बाय अ साइक्लिस्ट विद अ सर्टेन स्पीड। कोई एक साइकिल सवार है, एक साइकिल चालक द्वारा एक निश्चित दूरी डी एक निश्चित चाल से तय की जाती है। मतलब स्पीड भी सेम है और टाइम भी क्या लग रहा है, एक डिस्टेंस भी क्या है आपका फिक्स्ड है। ठीक है, यदि एक जॉगर उससे दो गुने समय में उससे आधी दूरी तय करता है, टाइम से क्या ले रहा है वो जॉगर जो है डबल ले रहा है और उससे आधी दूरी क्या कर रहा है वो तय कर रहा है, तो साइकिल चालक की चाल और जॉगर की चाल का अनुपात ज्ञात करना है। यानी कि इफ अ जॉगर कवर्स हाफ द डिस्टेंस बाय हिम द ट्वाइस द टाइम टी देन फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट टू दैट ऑफ द जॉगर। देखो कोई डिस्टेंस है, एक डिस्टेंस फिक्स है, वो डिस्टेंस हमने डी मान लिया, जैसे दिया हुआ भी डी, और टाइम मान लेते हैं हम टी, और ये किसके लिए मान लिया हमने, जो हमारा साइक्लिस्ट है वो डी डिस्टेंस कवर कर रहा है कितने टाइम में, टी टाइम में। अब डिस्टेंस भी फिक्स है, डिस्टेंस उसी डिस्टेंस के बारे में बात हो रही है जिस पर साइकिल चल रहा है, उसी पर कौन चल रहा है, जॉगर चल रहा है। लेकिन जॉगर क्या कर रहा है, ये साइकिल वाला था और जो जॉगर है हमारा वो क्या कर रहा है, इस डिस्टेंस का हाफ और इस टाइम का क्या डबल ले रहा है। क्लियर है बात? ये लाइन वैसे लगाई गई है, कहीं आप इसको डिवाइड में समझ लें कि भाई डिवाइड में कर दिया, नहीं। साइकिल वाला कितना टाइम ले रहा है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, डी, कितने टाइम में, टी टाइम में। जो जॉगर है हमारा वो इसका हाफ डिस्टेंस लेकिन कितने टाइम में, डबल टाइम में कर रहा है ना। तो हमें इनका किसका रेशियो निकालना है, तो आप कहेंगे स्पीड का रेशियो निकालना है। अब ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, डिस्टेंस और टाइम, स्पीड का रेशियो कैसे निकलता, स्पीड कैसे निकलते, पहले तो स्पीड पता होनी चाहिए, डी बाय टी। इसी तरह से ये डी बाय टू, इसके बाय में टू टी, और ये आपको पता है कि डी बाय में कितना हो जाएगा, फोर टी। ये किसकी स्पीड है, तो आप कहेंगे साइकिल वाले की। ये किसकी स्पीड है, तो आप कहेंगे जॉगर की। इन दोनों का रेशो बताना है, तो डी बाय में टी रेशो डी बाय में फोर टी। अच्छा आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे भी डी टी है, यहाँ पे भी डी टी है, तो कैंसिल हो गया, तो ये वन रेशो वन बाय फोर रह गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसका एलसीएम फोर ले लिया, एलसीएम फोर ले लिया तो फोर से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, वन बाय फोर इंटू फोर, ये कैंसिल हो गए, तो ये हो गया फोर रेशो वन। यानी कि जो हमारा साइक्लिस्ट और जो जॉगर है उनकी जो स्पीड का रेशो है वो कितना है, फोर रेशो वन। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। हाँ, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। होप आपको समझ आ गया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, ऐसे क्वेश्चन हो गया। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।